हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम आसान है। मेरा नाम है अर्णब और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व किया जाता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको कहा था रिकरेंस रिलेशन के बारे में, उसका जो ऑर्डर और डिग्री होता है उसके बारे में, और होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन। जनरल फॉर्म एक रिकरेंस रिलेशन का होता है ये ए एन इक्वल्स टू एफ एन ए एन माइनस वन एफ टू एन ए एन माइनस टू अप टू एफ के एन। यहाँ पे जो एफ से डिनोट किया गया है ये सब एक फंक्शन है, उसके साथ है जी एन जो कि सिर्फ और सिर्फ एन का एक फंक्शन है। तो अगर ये सब फंक्शन एफ का जो फंक्शन है वो अगर कांस्टेंट हो गया तो हमें मिलता है ए एन इक्वल्स टू सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू अप टू सी के ए एन माइनस के प्लस जी एन। यहाँ पे जो एन है ये के से बड़ा होगा। तो यही ज़्यादातर हमें रिकरेंस रिलेशन के तौर पे मिलते हैं। तो ये एक नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये जो जी एन ये जो फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का फॉर्म क्या आता है। वो है ए एन इक्वल्स टू सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू प्लस अप टू सी के ए एन माइनस के। ये है एक होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का फॉर्म, जहाँ पे जी एन ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यही फंक्शन इस रिकरेंस रिलेशन को नॉन होमोजीनियस बना देगा। तो हम यहाँ पे इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? इस रिकरेंस रिलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसे ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ए एन है सभी जगह पे ए एन ए एन माइनस वन, यहाँ पे ए एन के जगह हम जेड टू द पावर एन पुट कर देंगे। इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाई जेड टू द पावर एन। तो अगर हमने यहाँ पे z टू द पावर n पुट कर दिया तो हम क्या पाएंगे, z टू द पावर n इक्वल्स टू c1 z टू द पावर an z टू द पावर n माइनस वन ए एन माइनस के जगह z टू द पावर n माइनस वन ए एन माइनस टू के जगह z टू द पावर n माइनस टू, ऐसे ही चलेगा। तो हमने पाया है z टू द पावर n इक्वल्स टू c1 z टू द पावर n माइनस वन प्लस c2 z टू द पावर n माइनस टू प्लस अप टू सी के जेड टू द पावर एन माइनस के। यहाँ पे ये जो जेड टू द पावर एन माइनस के है ये जेड का सबसे छोटा पावर है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। पूरा जो इक्वेशन है पूरा इक्वेशन को हम जेड टू द पावर एन माइनस के इससे डिवाइड कर देंगे। तो अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है जेड टू द पावर एन माइनस एन माइनस के, क्योंकि डिवाइड किया है, प्लस सी वन इंटू जेड टू द पावर एन माइनस वन माइनस एन माइनस के प्लस सी टू जेड टू द पावर एन माइनस टू माइनस एन माइनस के अप टू सी के। ये जो लास्ट टर्म है इस टर्म पे जेड टू द पावर एन माइनस के था लेकिन डिवाइड करने से वो वन हो गया, तो अब सिर्फ सी के ये रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस जो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को z के लिए सॉल्व करना है। हमें यहाँ से z निकालना है, यहाँ पे z एक वेरिएबल है तो उसी को हम निकालते हैं। इसे निकालने से हमें जो रूट मिलेगा इस इक्वेशन का, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के जो रूट है उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रूट अगर हमें मिल गया उसके बाद हम देखेंगे कि इसका मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो मल्टीप्लिसिटी देखने से पहले
हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा, कोई भी हो सकता है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक अल्फ़ा इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर एम सच दैट जेड माइनस अल्फ़ा होल टू द पावर एम इज ए फैक्टर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है? ये जो हम इक्वेशन देख रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा z टू द पावर k माइनस c1 z टू द पावर k माइनस 1 माइनस c2 z टू द पावर k माइनस 2 माइनस अप टू सी के। ये है दिस इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जो पार्ट है z टू द पावर k माइनस सी वन जेड टू द पावर k माइनस वन सी टू जेड टू द पावर k माइनस टू अप टू सी के, ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसका एक फैक्टर होगा z माइनस अल्फा होल टू द पावर m। तो इसे हम कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक रूट मिलेगा वो दो या तीन बार आएगा, तो हम कह सकते हैं कि उस कैरेक्टरिस्टिक रूट का मल्टीप्लिसिटी 2 और 3 है, तो वो हम सॉल्व करने के वक्त देखेंगे। तो मान लेते हैं कि मल्टीप्लिसिटी m हो गया। तो अगर m होता है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? मान लेते हैं कि हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक रूट को सॉल्व करने के बाद दो कैरेक्टरिस्टिक रूट हमने पाया है के रेकरेंस रिलेशन का, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा का मल्टीप्लिसिटी है 2, बीटा का मल्टीप्लिसिटी है 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? हम इस सॉल्यूशन को ऐसे लिखेंगे, ए एन जो कि रेकरेंस रिलेशन का nth टर्म है उसे हम लिखेंगे ए एन इक्वल्स टू ए ज़ीरो प्लस ए वन एन इंटू अल्फ़ा टू द पावर एन प्लस बी ज़ीरो इंटू बीटा टू द पावर एन। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा ये दो है, ये है कैरेक्टरिस्टिक रूट, और ए ज़ीरो ए वन एंड बी ज़ीरो ये है कॉन्स्टेंट्स। तो अल्फ़ा का कैरेक्टरिस्टिक ये जो रूट है इसका मल्टीप्लिसिटी क्या था? इसका मल्टीप्लिसिटी था 2, इसीलिए हमने इसे इसका जो कॉन्स्टेंट पार्ट है उसे हमने लिखा है ए ज़ीरो प्लस ए वन एन। बीटा का मल्टीप्लिसिटी था 1, इसीलिए सिर्फ बी ज़ीरो इसे लिखा है कोएफिशिएंट के तौर पे। तो ऐसे ही हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं फॉर ए लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। होप कि आपको ये वीडियो समझ आया हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे कि नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।